अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज बड़ेज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक एस्पेक्ट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखेंगे कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड व्हिच आर द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आप देख रखे हैं हमारा YouTube चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज जो है हम डिस्कस कर रखे हैं एस्पेक्ट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो विच आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आई थिंक देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके एस्पेक्ट्स के हवाले से जो बात की जाती है, तो क्या है कि देयर आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस रिगार्डिंग द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द सेकेंड इज ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके दो पहलू हैं, दो उसके एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरो एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, IR मींस द ऑफिशियल रिलेशंस कंडक्टेड बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिशियल लीडर्स ऑफ द स्टेट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है अबाउट द नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? इट मींस द ऑफिशियल रिलेशंस। तो जो स्टेट टू स्टेट ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं, जिसमें रियासत के जो हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स शामिल होते हैं, उन रिलेशंस को जो है नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है, कंडक्टेड बाई द ऑथोराइज्ड ऑफिशियल लीडर्स ऑफ द स्टेट। तो नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है कि ऑफिशियल रिलेशंस आ जाते हैं, स्टेट टू स्टेट जो रिलेशंस होते हैं जिसमें स्टेट्स जो है फ्री होती हैं या स्टेट के जो ऑफिशियल्स शामिल होते हैं, जैसा हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, तो इनके दरमियान जो रिलेशंस जो हैं वो तय पाते हैं, वो नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाते हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो रियासतों के दरमियान जो सरकारी तल्लुकात होते हैं, जो ऑफिशियल्स रिलेशंस होते हैं, दे आर कॉल्ड नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट जी, नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से प्रोफेसर डॉन टेक्स द नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इट इंक्लूड्स ओनली ऑफिशियल एंड फॉर्मल रिलेशंस बिटवीन द फॉरेन स्टेट्स, बिटवीन द सॉवरन स्टेट्स। तो जो सॉवरन स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान जो ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं, जो फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज द नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जो ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं उसमें क्या होता है कि रियासतों की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, डिप्लोमेसी आ जाती है, आर्म्स कंट्रोल का मामला आ जाता है, अलाइंसिस आ जाते हैं, फिर काउंटर अलाइंसिस आ जाते हैं, वार्स होती हैं या फिर लॉस ऑफ द वार। तो जो ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं वो किसको डील करते हैं? फॉरेन पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को, आर्म्स कंट्रोल को, अलाइंसिस को, काउंटर अलाइंसिस को, वार्स एंड लॉस ऑफ वार। तो ये जो रिलेशंस होते हैं जो रियासतों की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, या रियासतों की जो डिप्लोमेसी है या डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं या डिप्लोमेटिक जो अमला होता है उससे रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं, वो रियासत का जो जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो नैरो एस्पेक्ट है उसको डील करते हैं। यानी रियासत जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो नैरो एस्पेक्ट है उसमें सिर्फ वो रिलेशंस शामिल होते हैं जो रियासतों के सरकारी तल्लुकात होते हैं, जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट या फॉरेन मिनिस्टर या डिप्लोमेट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी, ए ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अभी हमने डिस्कस किया नैरो एस्पेक्ट को और नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशंस डीलिंग विद अमंग द सॉवरन स्टेट्स, वेदर दे आर ऑफिशियल और अनऑफिशियल। तो जो नैरो एस्पेक्ट्स हैं उसमें क्या है, नैरो एस्पेक्ट्स में हम सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस को डिस्कस करते हैं, और जो ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें हम ऑल टाइप्स ऑफ ऑफिशियल रिलेशंस
और ऑल टाइप्स ऑफ अनऑफिशियल रिलेशंस जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जो ब्रॉड एस्पेक्ट है उसमें तमाम किस्म के ऑफिशियल रिलेशंस भी शामिल हैं, तमाम किस्म के जो अनऑफिशियल रिलेशंस शामिल होते हैं वो भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो इसको जो है वो ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है, यानी इसको मुख्तसर तौर पर कहा जाए कि दो रियासतों के दरमियान किसी भी नौयत का जो भी मामला होगा, चाहे उसका तल्लुक ऑफिशियल्स के साथ है, ट्रेड के साथ है, वार के साथ है, पीस के साथ है, कल्चर के साथ है, ट्रेडिशंस के साथ है, या एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स के साथ है, स्पोर्ट्स के साथ है, टूरिज्म के साथ है, जितने भी मामलात होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस ही कहलाते हैं और वो ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है जी, ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ आईआर इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ट्रेड, टूरिज्म, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स, गुड आइडियाज एंड डिफरेंट मूवमेंट्स विच क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज और फ्रंटियर्स। तो दोबारा देखिएगा कि जो ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो पहले अभी हमने बात की है उसके मुताबिक ऑल टाइप्स ऑफ ऑफिशियल रिलेशंस एंड ऑल टाइप्स ऑफ अनऑफिशियल रिलेशंस जो हैं वो ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब जो ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें आप देखें कौन कौन से मौजूद शामिल होते हैं। इसके मुताबिक हम रियासतों के दरमियान जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कंसीडर होती हैं, जो इकोनॉमिक मामलात हैं उनके दरमियान ट्रेड हो रही है, इकोनॉमिक सरगर्मियाँ हो रही हैं, कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्जे वापस किए जा रहे होते हैं, बार्टर सिस्टम है, जितने भी मामलात हैं चाहे वो उसकी कोई भी नेचर कोई भी हैसियत हो वो सब इसमें शामिल हैं। पॉलिटिकल रिलेशन शामिल हैं, कल्चरल रिलेशन शामिल हैं, ट्रेड के मामलात हैं, टूरिज्म जो है वो आ जाता है, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक रियासत के लोग दूसरी रियासत में जाकर जो है वो स्टडी करते हैं, फिर एक रियासत के लोग दूसरी रियासत में जाकर जो है वो लेबर भी करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, वो सैर व तफरी के लिए जाते हैं। तो दो रियासतों का मामला है लेकिन उसमें क्या होता है कि रियासतों के ये रिलेशंस बहुत वास्ट हो जाते हैं। स्पोर्ट्स रियासतों के दरमियान अनगिनत स्पोर्ट्स जो होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड आइडियाज़ है, मुख्तलिफ मूवमेंट्स रियासतों के दरमियान चल रही होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को जो है नुमाइंदगी कर रखी हैं। दोबारा देखिएगा, ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ आईआर इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑल काइंड्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ट्रेड, टूरिज्म, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स, गुड आइडियाज़ एंड डिफरेंट मूवमेंट्स विच क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स। तो इनमें से कोई भी चीज़ जब एक रियासत से निकलकर दूसरी रियासत की हदूद में दाखिल हो जाती है तो वो इंटरनेशनल हो जाती है और ये ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कहलाएगी। यूज़ ऑफ द टर्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है जो रियासतों के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है उसको जो इंटरनेशनल रिलेशन का नाम दिया जाता है। ये टर्म जो है हु यूज़ दिस टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, देखते हैं कि द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस was used by the first time by Jeremy Bentham in the later part of 18th century. तो जो इंटरनेशनल रिलेशन की जिन रियासतों के दरमियान जो रिलेशन होते हैं चाहे वो ऑफिशियल्स हों अनऑफिशियल्स हों उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो टर्म इस्तेमाल हुई वो जर्मी बेंथम ने की थी इन द लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी। कॉन्सिक्वेंटली द टर्म आई आर यानी इंटरनेशनल रिलेशन वॉज यूज टू डिस्क्राइब द ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन द फॉरेन स्टेट्स। तो जो सॉवरन स्टेट्स, जो सॉवरन स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उन रिलेशंस के लिए जब जर्मी बेंथम ने 18th सेंचुरी के अंदर जो है इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म इस्तेमाल की तो आज फिर दुनिया भर के अंदर जो है तमाम जो स्कॉलर्स हैं, तमाम जो थिंक टैंक्स हैं और तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो है रियासतों के दरमियान जो सॉवरन स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म ही इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मुख्तलिफ अदवार में जो है रियासतों के दरमियान कैम होने वाले जो रिलेशंस होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल की जाती रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म तो ये डिस्कस हो गई है, इसके अलावा वर्ल्ड रिलेशंस यानी बास दौर के अंदर जो है जो रियासतों के दरमियान जो सॉवरन स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उनके लिए वर्ल्ड रिलेशन की टर्म इस्तेमाल की गई। बास जो काम जो इसके पॉलिटिकल साइंस के या इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट्स लोग थे वो इसको स्टडी ऑफ फॉरेन अफेयर्स का नाम देते रखे हैं। इस तरह जियो पॉलिटिक्स का भी नाम दिया गया है, जियो पॉलिटिक भी इसको कहा गया है, इंटरनेशनल अफेयर्स का नाम इसको दिया गया, बाज़ लोगों ने स्टेट्समैनशिप का नाम दिया, बाज़ लोगों ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स
का नाम इसको दिया है। इस तरह जो है इंटर स्टेट रिलेशंस की टर्म भी जो है स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल की जाती रही है, और ग्लोबल रिलेशंस भी इसको कहा जाता है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस की टर्म भी इस्तेमाल हुई, ग्लोबल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो आप देख रखे हैं कि मुख्तलिफ अदवार में जो मुख्तलिफ राइटर्स थे, जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने जो है रियासतों के दरमियान यानी सॉवरन स्टेट्स के दरमियान कैम होने वाले जो रिलेशंस थे, वेदर देवर ऑफिशियल रिलेशंस और अनऑफिशियल रिलेशंस, तो उसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल की जाती रही हैं। लेकिन जर्मी बेंथम जो है जब उसने इन द लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी सॉवरन स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस को इंटरनेशनल रिलेशन का नाम दिया, तो उसके बाद फिर आज तक जो है यही टर्म जो है दुनिया भर के अंदर जो है इस्तेमाल हो रही है, और इसे ही दुरुस्त है वो तस्लीम किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन की जो टर्म है रियासतों के दरमियान जितने भी किस्म के रिलेशंस होते हैं वो सब का अहाता करती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वी विल डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मेन ब्रांचेस ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो मेन या रिलेशंस जो ब्रांचेस हैं या फील्ड्स उसके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस ऑफ आर फील्ड्स। तो इंटरनेशनल रिलेशन को जो है दो मेन ब्रांचेस के अंदर या दो मेन फील्ड्स जो है उनके दरमियान तकसीम किया जाता है। द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, पीस एटसेट्रा। तो इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो ब्रांचेस हैं या उसके जो फील्ड्स हैं, देर आर टू मेन ब्रांचेस आर फील्ड्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो है हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं? हम इसको कहते हैं कि स्टडी ऑफ वॉर, स्टडी ऑफ पीस, कॉन्फ्लिक्ट, अलायंसेस, काउंटर अलायंसेस। तो इस जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसमें हम क्या, कलेक्टिव सिक्योरिटी का टॉपिक भी इसका हिस्सा बन जाता है, आर्म्स कंट्रोल है, डिसआर्मामेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इंटरनेशनल रिलेशन की सिक्योरिटी सिस्टम को डील करती हैं। तो ये फर्स्ट इसकी ब्रांच है। सेकंड ब्रांच क्या है? इंटरनेशनल ऑफिशियल इकोनॉमी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल फिनांस, इंटरनेशनल ट्रेड। तो रियासतों के दरमियान जो ट्रेड होती है, लेन देन होता है, रियासतों के दरमियान जो कारोबार होता है, बिजनेस होता है, रियासतें एक दूसरी रियासतों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो ये जो जितनी भी इकोनॉमिक सरगर्मियां हैं वो क्या हैं? दैट्स द सेकंड ब्रांच ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देयर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी और द सेकंड इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। द फर्स्ट वन डील्स विद द स्टडी ऑफ वॉर, स्टडी ऑफ पीस, स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, स्टडी ऑफ आर्म्स कंट्रोल, स्टडी ऑफ डिसआर्मामेंट, स्टडी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, अलायंसेस, काउंटर अलायंसेस। ये क्या है? ये इंटरनेशनल रिलेशन का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जंग, अमन और असला साजी, तकफीफी असला जैसे मौजूदात को डिस्कस करते हैं, और जो सेकंड है उसमें रियासतों के दरमियान जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसका आगाज कब हुआ? तो अगरचे जर्मी बेंथम जो है उसने तो इन द लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी इसको इंटरनेशनल रिलेशन का नाम दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशन का आगाज ही 18th सेंचुरी के अंदर हुआ है। तो इंटरनेशनल रिलेशन आप यूं समझ लें कि इतना ही ओल्ड सब्जेक्ट है, इतना ही पुराना सब्जेक्ट है या इतना ही कदीम है जितना कि रियासत का निज़ाम कायम है। तो जब से दुनिया में रियासत वजूद में आई है या रियासत की शक्ल का दूसरा दायरा वजूद में आया है, तब से जो है इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट जो है वो किसी ना किसी शक्ल में जो है वो कायम रहा है। तो स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हजारों साल पहले जो है इस सब्जेक्ट का आगाज हो गया था। बैरी बेजेंस एंड रिचर्ड लिटिल कंसीडर्ड द इंटरैक्शन ऑफ एंशियंट सुमेरियन सिटी स्टेट्स। तो जो सुमेरियन सिटी स्टेट्स थी उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता था, इंटर कोऑर्डिनेशन होती थी, कोलेबरेशन होती थी, उनके दरमियान जो इंटर ट्रेड होती थी, तो वो जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन का इब्तदाई दौर है। तो रियासत जो है जो कदीम ज़माने में सिटी स्टेट कहलाती थी या किसी शक्ल में वो ट्राइब्स की शक्ल में थी, तो जब से
दुनिया के अंदर सेकंड सिटी स्टेट वजूद में आई है, जब से सेकंड ट्राइब वजूद में आया तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप कायम हुई उसको जो है इंटरनेशनल रिलेशन का नाम ही दिया जाता है। तो जो कि सिटी स्टेट्स का जो कंसेप्ट है या ट्राइब्स का जो कंसेप्ट है ये थाउजेंड्स ईयर्स की बात है, तो लिहाजा इंटरनेशनल रिलेशन है इसकी जो हिस्ट्री अगर आप देखना चाहें तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है वो इसके ऊपर सर्च किया जाता है, कहा जा सकता है कितने हज़ार साल पहले से जो है इसका आगाज हुआ है। स्टार्टेड इन 3005 BC एट द फर्स्ट फुल फ्लैश्ड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये 3500 कबल मसीह, आप देखेंगे कितना पुराना ये सब्जेक्ट है, 3500 कबल मसीह से जो है ये सब्जेक्ट जो है अपनी इब्तदाई शक्ल में जो था ये मौजूद था। नेक्स्ट पॉइंट है जी टॉपिक्स ऑफ आईआर। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आप कौन कौन से जो मेजर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम है, डिप्लोमेसी है, इसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल लॉ है और डिसआर्ममेंट है, आर्म्स कंट्रोल है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट है और पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो ये वो मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जो है थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन के थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, नंबर फर्स्ट प्रोटेक्टिंग एंड एडवांसिंग ए कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है या इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, जो रियासत का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको जो है वो आगे बढ़ाना। तो इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे अव्वलीन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है रियासतों का जो नेशनल इंटरेस्ट होगा उसकी प्रोटेक्शन करना, उसको इन्हेंस करना, उसका उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। ये रियासतों के इंटरनेशनल रिलेशन, रियासतें जब कायम करती हैं, एक रियासत जब दूसरी रियासत के साथ रिलेशनशिप कायम करती है तो उस रिलेशनशिप का जो बुनियादी मकसद होता है वो क्या है, प्रोटेक्टिंग ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट या एडवांसिंग द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो उनका मकसद होता है कि जो उनके उनकी जो रियासत है उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सेव किया जाए या उसके अंदर जो है थोड़ी सी जो है वो बेहतरी पैदा की जाए। नंबर टू सपोर्टिंग द कंट्री सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जब एक रियासत दूसरी रियासत के साथ रिलेशनशिप कायम करती है तो उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड प्रिंसिपल क्या है, वो है सपोर्टिंग द कंट्रीज सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो सेकंड फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी आता है, उसका मुआशी तहफ़ होता है, मुआशी ज़रूरियात की तकमील होती है। तो ये उसका सेकंड जो है वो प्रिंसिपल है। और थर्ड है इन्हेंसिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्टेबिलिटी अमंग द वर्ल्ड पावर्स। और तीसरा ये है कि वर्ल्ड पावर जो है उनके दरमियान जो इकोनॉमिक है उसको बैलेंस किया जाए और जो मिलिट्री स्टेबिलिटी है उसको भी बैलेंस किया जाए। तो पहला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, इन्हेंसमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। सेकंड क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और तीसरा क्या है कि रियासतों के दरमियान जो है इकोनॉमिक और जो मिलिट्री स्टेबिलिटी है उसको जो है वो लाया जाए ताकि जंग के इम्कान जो है उनको महदूद किया जा सके। तो नेक्स्ट है जी मेन टाइप्स ऑफ एक्टर्स ऑफ आईआर। इंटरनेशनल रिलेशन के एक्टर्स क्या होते हैं या एक्टर्स से क्या मुराद है, मैं आपको सिंपली जो है वो आपको बता देता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है बेसिकली एक सिस्टम है। एक सिस्टम के अंदर ये जो आलमी निज़ाम है, आलमी जो वर्ल्ड सिस्टम है उसके अंदर किसी भी सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ एक्टर्स काम कर रहे होते हैं। वो तमाम अवामल जो उस सिस्टम को के ऊपर असरअंदाज होते हैं वो जो है उसके क्या कहलाते हैं, एक्टर्स कहलाते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो सबसे मेजर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट जो एक्टर है डेट इज स्टेट, नेशन स्टेट्स, रियासत। तो इंटरनेशनल रिलेशन कैसे पैदा होता है, इंटरनेशनल डेवलप होता है रियासतों के साथ। दो रियासतों के दरमियान जब रिलेशनशिप कायम होते हैं तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशन को जो है वो वजूद में आएगा। तो रियासत जो है वो क्या है, डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक्टर जो है वो स्टेट बजाते खुद है। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल है। फिर है ग्लोबल एनवायरमेंट मूवमेंट्स हैं, एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, एनजीओस का रोल है, एमएनसीज हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अलायंसेस हैं एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये सब क्या हैं, एक्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। ये इंटरनेशनल रिलेशन पर असरअंदाज होते हैं,
और इनकी सरगर्मियों से ही इंटरनेशनल रिलेशन जो है मुतासर होता है या इंटरनेशनल रिलेशन को तकवीत हासिल होगी या कमज़ोर होगा। तो रियासतों के दरमियान जो तल्लाकात हैं उनका इनासार इन एक्टर्स के ऊपर होता है और इनमें से हर एक्टर जो है उसका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। स्टेट्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं, एनजीओस के अपने हैं, एमएनसीज के, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये सब जो हैं किसी न किसी हवाले से आईआर को जो है मुतासर कर रहे होते हैं या उनको अपने मफादात के मुताबिक जो है ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का इख्तिताम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से होगा और ज़्यादा इम्कान ये है कि हम सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन या स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जो है बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और इसके साथ साथ जो है हमारे चैनल के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचिएगा और इसकी प्रमोशन के लिए जो है इसको लाइक किया करें, इसके ऊपर कमेंट्स किया करें और